हेलो एवरीवन, सो 5/5 पोर्टल खुल रहा है बहुत जल्द आपके लिए। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 मई को हमारा ये पोर्टल खुल रहा है और 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह को यानी मरकरी को। और इसमें ये ग्रह जब अच्छा होता है किसी इंसान के लिए तो बुद्धि से बड़े बड़े काम को आप अंजाम दे सकते हैं, भारी सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए है और आपके लिए पोर्टल खुल रहा है। और यहाँ पे आपको पोर्टल खुलता है तो आपको विश करना है ईश्वर से, अपने ईश्वर से, अच्छे अपने अच्छे कामों से, और मैनिफेस्ट करना है कि आपके साथ सिर्फ अच्छा हो और आपकी जो बुद्धि है वो काम करे जिससे आप बड़े बड़े सफलताओं को अंजाम दे सकें। नंबर 5 चेंज को भी, लाइफ में चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे छोटे से जो इंट्रोडक्शन रहे बुध ग्रह के लिए और 5/5 पोर्टल के लिए। उसमें आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो आज हम 5/5 पोर्टल की रीडिंग करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आज। कारण है कि जो 5 नंबर का कार्ड है टैरोट में, आज मैंने सिर्फ उसी ही लिया है सिर्फ। और मजे की बात यह है कि पूरे टैरोट डेक में 5 नंबर का कार्ड सिर्फ 5 ही है, यानी 5 पीस ही है कार्ड 5 नंबर का। तो ये जो पोर्टल है आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। क्या ब्लेसिंग, गुड न्यूज और क्या रिलीफ, सबसे बड़ी चीज है कि रिलीफ लेके आ रहा है। 5 कार्ड हमने लिया है क्योंकि ये 5/5 पोर्टल की रीडिंग है और टैरोट डेक में भी सिर्फ 5 कार्ड है 5 नंबर के। तो देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट है करें दें। सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। और मैनिफेस्ट कीजिए और अपने अच्छे कामों को याद कीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो ये पोर्टल सिर्फ आपके लिए है। अगर आप बुरा काम करेंगे, आपका माइंड निगेटिव है, तो ये बिल्कुल भी रीडिंग आपके लिए नहीं और ये रीडिंग काम आपको नहीं करेगी। तो शुद्ध मन से, साफ दिल से ये रीडिंग देखें और दूसरों का भला सोचें और अपना भी भला सोचें। तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये रेजोनेट करेगी आपको। तो देखते हैं कि 5 डेक में 5 नंबर के 5 कार्ड है तो उसमें क्या है आपके लिए, लेट्स सी। देखते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है। तो पहला कार्ड हम लेते हैं 5 of Swords। आप देख रहे होंगे 5 of Swords है पहला कार्ड है। तो सबसे बड़ी बात कि जो पोर्टल खुलेगा ये 30 दिनों तक आपको रेजोनेट करेगी, उसके आगे भी, अगले पोर्टल के खुलने से पहले तक ये आपको काम करेगी रीडिंग। तो 5 of Swords है। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा आपके लाइफ में अगर किसी के साथ टकराव है, रिलेशनशिप में, घर में, ऑफिस में या कहीं भी, वो टकराव बिल्कुल रुक जाएगी, टकराव नहीं होगा। दुश्मनों को हार मिलेगी। अगर आपके बहुत सारे एनिमीज हैं तो ये पोर्टल आपको एक अच्छा मौका दे रहा है दुश्मनों पे अपना विजय प्राप्त करने का। आप किसी भी कीमत पे जीत आपकी होने वाली है, किसी भी क्षेत्र में, करियर में या लव में। कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। और जो लोग बुली कर रहे हैं आपका और आप एग्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, वो सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। एंड यहाँ सरेंडर हो जाएगा, वो लोग भी सरेंडर आपके सामने कर देंगे जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। एंड आप बुरी स्थिति, जहाँ टकराव की स्थिति है, लड़ाई की स्थिति है, मारपीट की स्थिति है, वॉयलेंस है, वहां आपको विक्ट्री तो मिल ही रही है, साथ साथ आप वहां से निकल जाएंगे, ये चीज हो नहीं पाएगी। सबसे बड़ा कि टकराव जो है वो टल रहा है, लोगों की हार होगी जो आपका बुरा सोचते हैं। चेंज आने वाला है, सबसे बड़ा चीज कि आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। 5 नंबर चेंज तो रिप्रेजेंट करता ही है अपनी बुद्धि से। और आप फाइट बैक करेंगे, ओवरकमिंग करेंगे चैलेंजेस से, जो चैलेंजेस हैं आपको, जो बुरी स्थिति, उससे बाहर आएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे। और यहाँ पे चेंज आएगा, सबसे बड़ा है चेंज आएगा। तो पहला कार्ड तो ये हुआ। सेकेंड कार्ड भी यहाँ पे देख लीजिए आप, 5 of Wands, 5 नंबर का कार्ड फिर से एक बार है। तो 5 of Wands यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज बात आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टकराव आपकी नहीं हो पाएगी किसी के साथ, वो टल जाएगी। एंड यहाँ पे वॉर की, टेंशन की स्थिति है, आर्गुमेंट की स्थिति है, क्लैशेस ऑफ ईगोज यानी कि अहम का टकराव है, वो सारी चीजें बिल्कुल भी
नहीं हो पाएगी, ये चीज रुक जाएगी, हो ही नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कंपटीशन। देखिए ये कार्ड काफी सिमिलरिटी है दोनों कार्ड में, तो जो कंपटीशन है उसमें जीत आपको मिलनी है, यानी यहाँ भी आप जीत रहे हैं। इस कार्ड के भी द्वारा पता चला कि आप जीत रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स है पैसों की, बहुत सारे लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज आपको रास्ता मिल गया है उस चीज से निकलने का। ये पोर्टल आपके लिए खुल रहा है और ये आपको रास्ता देगा, जो रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे आप पैसे अर्न कर पाएंगे, अपना प्रोफेशनल लाइफ कैसे आगे ले जा पाएंगे, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि आपने हाल ही में अपना जॉब लॉस किया या काफी सारे पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, वो पैसे आपको नहीं मिले और रिटर्न नहीं हुए, एंड आपके हार्ड वर्क का भी कोई पे ऑफ नहीं हुआ। तो ये चीज जो निगेटिविटी है वो बिल्कुल निकलने वाली है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको ये चीज बता रहा है कि ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है अभी, या आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है, इस स्थिति से आप बहुत जल्द निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, फाइव फाइव पोर्टल का सपोर्ट मिलेगा। अपनी बुद्धि से आप समस्याओं को हल करेंगे, मनी अर्न कैसे करना है, पैसे कैसे फंसे हुए पैसे निकालने हैं, फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसके जो चिंता आपको है, स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वहां से निकलने का आपको रास्ता देगा फाइव फाइव पोर्टल, ये चीज पक्की है। अगर आप किसी बीमारी का भी सामना कर रहे हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, स्कैंडल हुआ है, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी निकल जाएंगे। आप अभी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि अभी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन फाइव बाई पोर्टल में आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी अच्छी चीजों को, अपने किए गए अच्छे कर्मों को देख के, ईश्वर की आराधना करके फाइव फाइव पोर्टल में प्रवेश करना है, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में होने से बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़े से यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूँ कि अगर आपको कोल्ड से एलर्जी है तो वहां भी आपको रिलीफ मिलने वाली है। बैड लक आपके लाइफ से चला जाएगा, कुल मिला के बैड लक जाएगा और चेंज तो आ ही रहा है। आपको फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसका भरपाई जल्द से जल्द होने वाला है। ये फाइव फाइव पोर्टल अच्छा मौका दे रहा है आपके लिए। फिर यहाँ पे आप आ जाइए फाइव ऑफ कप्स पे। यहाँ पे भी फाइव हमने कार्ड लिया है टैरोट डेक से, क्योंकि फाइव फाइव पोर्टल है, ऑलरेडी मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज मिल रही है कि आपको लाइफ में प्यार में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, ये बात तो आप क्लियर है, क्योंकि काफी कुछ लोग आप में से प्यार के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपको रिग्रेट है फेलियर का, अपने डिसअपॉइंटमेंट का, दुख लॉस में है, क्योंकि आपके हाथ से अगर प्यार छीना है, आपके किसी पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे थे या कर रहे हैं उससे दूरी आ गई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास आपके लाइफ में कोई ना कोई आने के लिए तैयार है। आप अभी उस पर्सन को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास पहुंचेगा। और जिस भी मेंटल ट्रामा से आप गुजर रहे हैं, और या आपके करियर में हो, या आपके लव लाइफ में लॉस है, या प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, डाइवोर्स्ड है या सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं अपने लाइफ से, क्योंकि आपके लाइफ से लव चला गया, आप सिंगल हैं, किसी ना किसी वजह से सिंगल हैं, या तो आप रियूनियन का वेट करते हैं, या आप बिल्कुल सिंगल हैं, किसी नए व्यक्ति का आपने आशा छोड़ दिया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आशा छोड़ दिया है बहुत समय से, सिंगल से आप में से कुछ लोग। तो फाइव फाइव पोर्टल एक मौका आपको फिर से देगा अपने प्यार तक पहुंचने का, या प्यार आप तक पहुंचेगा। बस आप बहुत जल्दी ही इस चेंज को महसूस करेंगे, फील करेंगे, कोई व्यक्ति है जो आपके लिए है और वो आपकी लाइफ में प्रवेश फिर से करने जा रहा है, या कोई नया व्यक्ति प्रवेश करेगा। तो यहाँ प्यार वाले चाहने वाले लोगों के लिए भी पॉजिटिव न्यूज। अब हम जो आखिरी कार्ड ले रहे हैं, इसका नंबर भी फाइव है, द हायरोफेंट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज निकल के आई है कि
जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है आपका वो होने वाला है और वो हर कीमत पे होके रहेगा। जो बुद्धि आपको आनी है, क्योंकि 5 नंबर बुध को ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एक ऐसी विजडम मिलने वाली है जिसमें आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। काफी समय से आप या तो पूजा करने की सोच रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या आप किसी बड़े बुजुर्ग से राय लेना चाह रहे हैं, या किसी खास देवी देवता जो आपके धर्म के हैं या नहीं भी हैं, वहाँ आप चाह रहे हैं कि सरेंडर करें, तो ये चीज़ बहुत जल्दी होने जा रही है। देवी देवताओं के प्रति आपके जो भी रिलेशन है वो बहुत बड़ा चेंज आएगा आप में। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में चेंज आएगा आने वाले दिनों में। 5-5 पोर्टल आपको एक मौका दे रहा है, कुछ ऐसा होगा कि आपका धार्मिक विश्वास बढ़ जाएगा, रिलीजन बिलीफ की तरफ आप बढ़ जाएंगे, और आप इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सोशल ग्रुप, एजुकेशन का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ धार्मिकता की पढ़ाई, स्पिरिचुअल ग्रोथ की पढ़ाई, सत्संग वगैरह भी की नॉलेज हो वहाँ पे, वहाँ आप बिल्कुल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ खास तरह के चीज़ों में आपका विश्वास बढ़ जाएगा, कुछ ऐसी शक्ति है आप बिल्कुल आपको महसूस होने लगेगी कि आपके लाइफ में दोबारा खुशियाँ लाने के लिए शक्ति आई है। तो 5-5 पोर्टल ये चीज़ जरूर लेके आ रहा है, चेंज आपके माइंड में, आपके करियर में आपको स्ट्रांग बनाएगा, और एक चेंज लाने के लिए ही ये 5-5 पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। तो हमने 5 कार्ड लिए टैरो डेक से, और 5 नंबर का कार्ड था, और टैरो डेक में मजे की बात यह है कि 5 नंबर का कार्ड भी 5 ही है। तो अब हम देखते हैं एंजल से कि आपको क्या कुछ दे रहे हैं 5-5 पोर्टल में, एंजल्स के द्वारा आपको क्या मिल रहा है ये भी हम देखते हैं। लेट्स सी जितना इंट्यूशन बोलेगा मैं सिर्फ वही मैसेजेस लूंगा आपके लिए। लेट्स सी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, यानी कि आप यहाँ पे एक सजेशन भी दी जा रही है कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है, कुछ चीजें नहीं हो पा रही है, तो कुछ लोगों से आपको मदद लेनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा, हेल्प मांगना पड़ेगा। अगर कोई हेल्प नहीं भी करता है तो ईश्वर से मांगिए, हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी, हेल्प आ रही है आपके लिए, क्योंकि चेंज है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। पीसफुल रेजोल्यूशन, शांतिपूर्वक किसी भी समस्या का हल निकलने वाला है आपके लाइफ में, ये चीज मान लीजिए, और बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है आपको आगे चल के। देखिए डिवाइन का सपोर्ट है यहाँ पे, और समस्या का समाधान हो जाएगा। ये पोर्टल आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए ही आ रहा है। लेट्स सी, फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस करना होगा, जो लोग बुरा करके आपके साथ गए लाइफ में उनको माफ कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो लोग ही आपसे माफी मांगने आएंगे, और वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं आपके लाइफ में जो लोग टॉक्सिक थे, इसलिए उनको रिलीज कीजिए, माफ कीजिए, आगे बढ़िए। हम मनोलॉजी डेक से भी देखेंगे कि क्या आपको दे रहे हैं ईश्वर, ये 5-5 पोर्टल क्या सजेशन दे रहा है और क्या कुछ मिल रहा है। साउथ नोट का कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पुरानी चीजें, यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी आया है कार्ड, सेम चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि आप पुरानी चीजों को भूल के आगे बढ़िए, नहीं तो अगर उस चीज को आप पकड़ के बैठेंगे तो नई चीज आपकी लाइफ में नहीं आएगी। लेट्स सी, और देखते हैं क्या कुछ है। लेट्स सी, सुपर मून का कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस काफी हाई हैं आपके, तो इस इमोशंस को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। इमोशंस तो होते ही हाई चले जाते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को ही अपनी शक्ति बनाइए और एक बैलेंस में रखिए, ताकि सारी चीजें बैलेंस में रहें। ओवर इमोशंस होने से फायदा नहीं होता है। लेट्स सी, गिब्सन मून का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये आखिरी कार्ड ही सब कुछ बता रहा है 5-5 पोर्टल के बारे में आपके लिए, कि आप बहुत नजदीक हैं, आप बहुत नजदीक हैं, और किसके नजदीक हैं, तो जो आपने गोल सेट किया है, जिस चीज की आपने कामना की है, चाहे रिलेशन हो, करियर हो, या कुछ भी हो, वहां पे आप बिल्कुल सफलता के करीब हैं। आपकी लाइफ में वो होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
लेकिन जरूरत सिर्फ आपको इतनी है कि अपने भगवान में विश्वास रखें, अपने में कॉन्फिडेंट रखें, मन को साफ रख के ही आप किसी पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं। पुरानी टॉक्सिक चीजें, और अगर आप टॉक्सिक सोच को लेके अगर पोर्टल चाहेंगे कि उस पोर्टल में मेरा प्रवेश हो, तो वो कभी नहीं होगा। सब कुछ त्याग के, मन को साफ करके आपको इस पोर्टल में प्रवेश करना है। सो फाइव फाइव पोर्टल की हमारी जो रीडिंग खत्म होती है, फिर मिलते हैं 19वें।